जी हाँ दोस्तों, मैं आज अपनी वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ आईटीआई से जुड़े लोगों के लिए बहुत ही खास खबर, जिसमें विद्युत सेवा आयोग द्वारा निकाली गई भर्तियों के बारे में आपको बताऊंगा, जो कि यूपीपीसीएल के द्वारा निकाली गई हैं, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा निकाली गई हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत समूह गा की रिक्तियों हुए तो सीधी भर्ती के माध्यम से प्रतियोगात्मक ऑनलाइन लिखित परीक्षा यानी CBT के द्वारा तकनीशियन लाइन हेतु निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएँ रखने वाले भारतीय नागरिकों से आवेदन मांगे गए हैं, जो कि हमारे ऑनलाइन आवेदन होंगे। तो बात करते हैं कि रिक्तियों के, देखिए यहाँ पे दिया गया है, इसका पद कोड 219 है, पद का नाम तकनीशियन लाइन है, अनारक्षित श्रेणी में 2052 सीटें हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1107 सीटें हैं, अनुसूचित जाति के लिए 861, अनुसूचित जनजाति के लिए 82। इस तरह से कुल रिक्त सीटों की संख्या यानी कुल रिक्तियों या वैकेंसी की संख्या 4102 है। इन रिक्तियों की संख्या आवश्यकता अनुसार घटाए घटाई या बढ़ाई भी जा सकती हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि आवेदन करने के वाले के पास क्या चीज़ ज़रूरी है। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास आधार कार्ड, विधिमान्य फ़ोटो युक्त पहचान पत्र होना अनिवार्य है। दोस्तों विज्ञापित पदों पर आवेदकों की संख्या अधिक होने की स्थिति में ऑनलाइन परीक्षा एक से अधिक पालियों दिवसों में कराई जाएगी। विभिन्न शिफ्ट के प्रश्न पत्रों के मूल्यांकन के पश्चात नॉर्मलाइजेशन मेथड एच पर एनश्योर फर्स्ट CBT के प्रथम एवं द्वितीय भाग में श्रेष्ठता निर्धारण में प्रयुक्त होगा। अगर हम बात करते हैं इसके वेतनमान की कि इसमें क्या वेतनमान रखा गया है, तो इसमें बताते हैं वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 में वेतनमान 27,200 से 86,100 एवं अन्य भत्ते कॉर्पोरेशन में लागू इस नियमानुसार देय होंगे। अब बात करते हैं इसकी अनिवार्य शैक्षिक अर्हताओं की। तो आवेदन के समय अभ्यर्थी के पास निम्न अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएँ होना अनिवार्य है। मान्यता प्राप्त संस्थान से हाई स्कूल परीक्षा, विज्ञान संकाय में उत्तीर्ण होने के साथ नियमित छात्र के रूप में निम्नांकित ट्रेडों में से किसी एक ट्रेड में द्विवर्षीय अखिल भारतीय अथवा राज्य व्यावसायिक प्रमाण पत्र NCVT SCVT जिसे कहते हैं, उनमें से एक का प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो इसमें जो ट्रेडें दी गई हैं वो चार तरह की चार ट्रेड बताई गई हैं। नंबर 1 वायरमैन, नंबर 2 इलेक्ट्रीसियन, नंबर 3 लाइनमैन, नंबर 4 इलेक्ट्रिकल। और इसमें जो सेकंड शैक्षिक दूसरे नंबर पे शैक्षिक अर्हता दी गई है उसमें कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। तीसरे नंबर पे बेसिक स्किल टेस्ट यानी कि तकनीशियन लाइन के पद के आवश्यक कार्य यथा पोल सीढ़ी पर चढ़कर लाइन एवं वितरण परिवर्तकों के अनुरक्षण का कार्य इत्यादि से संबंधित टेस्ट जिसे उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। तो ये दोस्तों इसके लिए शैक्षिक अर्हता थी। आगे हम बात करते हैं आयु की कि इसके लिए कितनी आयु आवश्यक है। तो आयु की बात करते हैं तो दिनांक 1/1/2019 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। अब बात करते हैं चार नंबर पे, इसमें आयु में अनुबंध छूट। तो आयु में अनुबंध छूट जो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं भूतपूर्व सैनिकों का जो कि उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होना आवश्यक है, उन अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुमन्य है। भूतपूर्व सैनिक यथा उत्तर प्रदेश के शासनादेश में परिभाषित तथा जिन्होंने कम से कम सेना में 5 वर्ष की सेवा की हो उन्हें अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। दोस्तों जिन लोगों का अप्रेंटिस किया हुआ है उन्हें अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के अंतर्गत प्रशिक्षण अवधि की सीमा तक अधिकतम 2 वर्ष की आयु में छूट दी जाएगी। दोस्तों बात करते हैं आरक्षण की। तो आरक्षण का लाभ लेने हेतु उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है।
इसमें अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति यानी पिछड़ा वर्ग तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसमें विकलांग अभ्यर्थियों होते उपरोक्त विज्ञापित पद उत्तर प्रदेश शासन आरक्षण हेतु चिन्हित नहीं है, अतः विकलांग अभ्यर्थी कृपया आवेदन ना करें। अब बात करते हैं आवेदन शुल्क की। तो दोस्तों, इसमें जो आवेदन शुल्क लग रहा है वो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है, जिसे उन्हें 700 रुपये का शुल्क लगेगा एवं अन्य समस्त श्रेणी के लिए 1,000 रुपये का शुल्क लगेगा। दोस्तों, ये शुल्क हम नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड अथवा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चालान के माध्यम से जमा कर सकते हैं। बात करते हैं आवेदन शुल्क के मद में जमा की गई धनराशि अप्रतिदेय यानी कि नॉन रिफंडेबल होगी, जो किसी भी दशा में वापस नहीं की जाएगी। अब बात करते हैं हम अर्हताओं एवं अन्य प्रमाण पत्रों का प्रस्तुतिकरण। तो इसमें जो भी अंक पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अर्हता संबंधी योग्यता प्रमाण पत्र होते हैं, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आदि हैं, उनका दिनांक 31/3/2018 के बाद का जारी होना आवश्यक है। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र जिलाधिकारी के हस्ताक्षर से प्रमाण पत्र किया हुआ ही मान्य होगा। हम बात करते हैं इसमें अनापत्ति प्रमाण पत्र क्या है। तो यदि कि कोई अभ्यर्थी किसी सरकारी या अर्ध सरकारी विभाग में कार्यरत है तो उसे नियुक्ति के समय अपने विभागाध्यक्ष द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। दोस्तों, इसमें चरित्र प्रमाण पत्र भी मांगा गया है, जो अपने पिछले शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य अथवा दो सम्मानित व्यक्तियों जो संबंधी ना हों द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र नियुक्ति के समय प्रस्तुत करना होगा। दोस्तों, बात करते हैं वैवाहिक स्थिति की। तो ऐसे पुरुष या महिला अभ्यर्थी जो एक से अधिक विधि विरुद्ध जीवित पत्नी या पति रखते हों तथा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिनका विवाह विधि विरुद्ध ऐसे व्यक्ति से हुआ हो जिसके पास पहले से एक से अधिक पत्नी हो चयन हेतु तो अहर नहीं होंगे। दोस्तों, हम बात करते हैं चयन प्रक्रिया की कि इसकी चयन प्रक्रिया किस तरह से होगी। चयन लिखित परीक्षा CVT के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र दो भागों में होगा, जिसकी अवधि 3 घंटे की होगी। तो इस बात करते हैं इसके प्रथम भाग की। प्रथम भाग की लिखित परीक्षा में नीलिट के CCC स्तर का कंप्यूटर ज्ञान, वस्तुनिष्ठ संबंधी प्रकार के प्रश्न पत्र होगा, जिसमें 50 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा, अर्थात ये परीक्षा अधिकतम 50 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक 1/4 अंक प्रदान किए जाएंगे, अर्थात 1/4 अंक की अतिरिक्त कटौती की जाएगी। कंप्यूटर ज्ञान की प्रथम भाग की परीक्षा में कम से कम 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, अन्यथा की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी को अर्ह ना मानते हुए उसकी लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया। यानी कि अगर प्रथम भाग की परीक्षा में हमारे 50 में से 20 नंबर नहीं आते हैं तो आपकी द्वितीय भाग की परीक्षा की कॉपी चेक नहीं की जाएगी, यानी कि आप अयोग्य सिद्ध होते हैं। बात करते हैं द्वितीय भाग की परीक्षा में। तो द्वितीय भाग में निम्नांकित पाठ्यक्रम से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा, जिनमें अधिकतम अंक सम्मुख अंकित हैं। इसमें भी प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक ऋणात्मक दिए जाएंगे, अर्थात 1/4 अंक की अतिरिक्त कटौती की जाएगी। यानी कि इसमें 0.25% की निगेटिव मार्किंग है। बात करते हैं कैसा आएगा हमारा पेपर, पेपर में क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि सामान्य अध्ययन एवं तार्किक ज्ञान के प्रश्नों की संख्या 20 होगी, जिनका अधिकतम अंक 20 होगा। सामान्य हिंदी हाई स्कूल स्तर पर होगी, जिसमें 15 प्रश्नों की संख्या होगी और 15 अधिकतम अंक होंगे। सामान्य अंग्रेजी हाई स्कूल सामान्य स्तर की होगी, जो 15 प्रश्नों की संख्या होगी, 15 अधिकतम अंक होंगे। तकनीकी
विषय ज्ञान, सॉरी तकनीकी विषय ज्ञान के 150 प्रश्न होंगे और अधिकतम अंक 150 होंगे। इस तरह से 200 अंकों का हमारा कुल प्रश्न पत्र होगा। नोट करने वाली बात ये है कि चयन हेतु तो द्वितीय भाग की परीक्षा में कम से कम 33.5% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अर्थात ऐसे अभ्यर्थी जो 67 अंक से कम अंक प्राप्त करेंगे वे चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। दोस्तों इसमें परीक्षा स्थान के बारे में अगर हम बताते हैं कि परीक्षा स्थान कहाँ कहाँ रखे जाएंगे, तो परीक्षाएं लखनऊ, बरेली, गाजियाबाद, नोएडा, गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ और एवं कानपुर शहरों में होंगी। अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर अथवा विशेष परिस्थितियों में परीक्षा के स्थान को बदला अथवा घटाया बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि हमें आवेदन कैसे करना है। तो कॉर्पोरेशन की वेबसाइट www.upcl.org को खोलें एवं टैब अप्लाई ऑनलाइन अगेनेस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/BSA/2019/टेक्नीशियन लाइन फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन लाइन पर क्लिक करें। खुलने वाले नए वेब पेज पर हाउ टू अप्लाई पर क्लिक कर प्रक्रिया को भली भांति समझें एवं आवेदन पत्र को निर्देशानुसार पूर्ण करें। अभ्यर्थियों को सुझाव दिया जाता है कि वे अपना रजिस्टर्ड ईमेल एवं मोबाइल नंबर को अंतिम परीक्षा फल आने तक सजीव रखें, यानी कि चालू रखें। परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण सूचनाएं इन्हीं के माध्यम से प्रेषित की जाएंगी। हमारा जो प्रवेश पत्र है, प्रवेश पत्र अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा है तो प्रवेश पत्र वेबसाइट upcl.org से डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जाएंगे। तो दोस्तों ये हमारी थी UPPCL में ITI के हमारे कैंडिडेट्स के लिए निकली हुई वैकेंसियाँ। तो जो भी हमारे ITI के कैंडिडेट हैं, ITI के स्टूडेंट्स हैं, वो जल्द से जल्द इनमें फार्म डाल लें, क्योंकि आज से ही यानी कि 1 अप्रैल से ही इसमें फार्म पड़ना शुरू हो चुका है। कि मेरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद और मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। बाकी जो आपकी डेट है तो ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण करने की तिथियां हैं 1/4/2019 से 30/4/2019 तक। आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि है 2/4/2019 से 1/5/2019 तक। परीक्षा की जो संभावित अवधि है वो मई 2019 के द्वितीय सप्ताह में है। थैंक यू।